से संवाददाता अवधेश यादव की रिपोर्ट। जिस कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर पाला उसी ने ही कर दिया मां बाप को गोलियों से छन्नी। जिला बरेली में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। जमीन जायदाद बंटवारे के विवाद के चलते अधिवक्ता पुत्र दुर्वेश कुमार गंगवार ने अपने ही सगे माँ बाप दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार तड़के करीब 5 बजे की है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक 76 वर्षीय लालता प्रसाद सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जो घटना के समय भजन कर रहे थे, जबकि मृतका 64 वर्षीय मोहनी देवी उर्फ मोहन देवी शौचालय में थी। ग्राम बहरोली में आज ये डबल मर्डर हुआ है, आपके सास ससुर थे, कैसे मारे गए? इनके उनके बड़े बेटे ने गोली मार दी। किस बात को लेकर? ये बंटवारे के चक्कर में, जमीन के बंटवारे के चक्कर में। आए दिन झगड़ा होता था? आए दिन मारने के लिए, वो तो मेरे हस्बैंड को भी मारने के लिए वो करते हैं। वो इन्हें गोली मार दी, वो उधर देखने गए थे कि ये ना मिले, और रास्ते में जब मिलते थे तो गोली वगैरह एक आध बार उन्होंने ठान दी थी। क्या कहते थे? कि मार डालूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, आपके पति के लिए भी कहते थे? मेरे पति को भी। आज मारने को तो उन्हीं को थे। अच्छा, वो इधर मिल नहीं पाए थे। आपके पति कहाँ थे जब इस समय घटना थी? तो उधर वाले घर पर, दूसरे घर में। दूसरे घर में। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 4 बजे की। अच्छा, क्या करते हैं वो जिन्होंने मारा है? वो एडवोकेट है। और थाना मीरगंज के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, इसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति है, वो रिटायर्ड है, उनकी उम्र लगभग 76 साल 70 साल की है, पति पत्नी की। इन्हीं के बेटे के द्वारा जो दुर्वेश हैं, इनके द्वारा इनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है, और ये संपत्ति विवाद प्रथम दृष्टि इसमें नज़र आ रहा है। और जो मृतक दंपत्ति उन्हीं के एक बेटे की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जल्द ही जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कितने बजे घटना का पता चला था पुलिस को? ये प्रातःकाल की घटना बता रहे हैं कि 5-6 बजे की घटना बता रहे हैं, जिसमें पूजा के समय जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपनी पूजा कर रहे थे, उसी दौरान जो बेटा है वो मोटरसाइकिल से आया और इनके ऊपर गोली चलाई। इसके बाद इनकी जो जो मृतक दंपत्ति हैं उसमें जो महिला हैं वो शौचालय में थी, और वहाँ उनकी जो मदर है उनको फिर गोली मारी। सर, एक गड़ासा भी पड़ा हुआ मिला था पीछे, क्या बंदूक से गोली मारी है या वैसे भी चलाया गड़ासा भी? ये बता रहे हैं शुरू में आके पहले मारपीट भी की, और उसके बाद जो अवैध शस्त्र था उससे इन्होंने दोनों के ऊपर फायर किया, और दोनों की मृत्यु मौके पर हो गई।